हेलो फ्रेंड्स, अब आप कॉमर्स लवर जीत टेलर के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का 10 नंबर का सम सीखेंगे। तो 10 नंबर का सम यहां पे लिखेंगे, संध्या पल्लवी एंड सना आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम एंड देयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज अ 1:2:3। तीन पार्टनर है यहां पे, संध्या पल्लवी सना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दिया गया है 1:2:3, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Now, पल्लवी एंड सना, ये जो दो पार्टनर है, पल्लवी एंड सना हैव गिवन गारंटी, पल्लवी एंड सना हैव गिवन गारंटी दैट, उन लोगों ने गारंटी दी के संध्या मस्ट गेट एटलीस्ट 25,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट। यानी पल्लवी एंड सना, उन लोगों ने संध्या, एक पार्टनर जो है, उसको गारंटी दी कि तुझे प्रॉफिट में से कम एटलीस्ट 25,000 तो मिलेंगे, उसकी गारंटी हम लेते हैं। हुआ ये अभी कि फॉर द ईयर एंडिंग 31st 2020 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000। पूरे साल का वो तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट आया वो 1,20,000 आया। देन हाउ विल द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, तो 1,20,000 जो प्रॉफिट आया वो तीनों पार्टनर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड यदि आपको दे दिया गया 1:2:3 प्रॉफिट तीनों पार्टनर का, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो तीन पार्टनर, संध्या, देन आफ्टर पल्लव एंड सना। जो संध्या पल्लवी एंड सना पार्टनर जो है उनका प्रॉफिट रेशियो दिया गया है 1:2:3, यानी 1:2:3। तो 1:2:3 मतलब 3+2 5+1 6, सो 1/6, 2/6 एंड 3/6। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग इज 1,20,000, सो इनटू 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। अगर 1,20,000 को उनको रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 1:3 में, सो यहां पे संध्या को मिलेगा 1,20,000 इनटू 1/6 20,000, then after 120 into 2/6 40,000, same as 1,20,000 into 3/6 60,000। यानी यहां पे 1,20,000 जो प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया संध्या पल्लवी एंड सना के रेशियो में, सो एक को संध्या को मिला 20,000, पल्लवी को 40,000 और सना को 60,000। अब हुआ ये कि संध्या को गारंटी दी थी पल्लवी एंड सना ने, पल्लवी एंड सना ने यहां पे क्या कहा था, पल्लवी एंड सना हैव गिवन गारंटी दैट संध्या मस्ट गेट एटलीस्ट 25,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट। कि संध्या को कम से कम 25,000 प्रॉफिट में से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब संध्या को मिला 20,000 तो संध्या चुप बैठेगी ना, वो मांगेगी कि मेरा 25,000 मिलने के लिए आपको आपने बोला था, लेकिन मुझे तो मिला 20, मेरा 5,000 कहां गया, 5,000 मुझे चाहिए। तो अगर इसको 5,000 चाहिए तो वो कौन देगा, जो पार्टनर ने गारंटी ली थी वो पार्टनर। किसने गारंटी दी थी, पल्लवी एंड सना। तो पल्लवी एंड सना वो दो पार्टनर ने संध्या को गारंटी दी थी कि तुझे 25,000 मिलेगा, लेकिन मिला 20, 5,000 कम मिला, तो 5,000 कौन देगा, ये पार्टनर जिसने गारंटी दी। तो पल्लवी एंड संध्या ने जो गारंटी दी, तो 25 की जगह 20 मिला, 5 जो कम मिला वो 5,000 पल्लवी एंड सना देंगे। अब क्या 5,000 पल्लवी देगी, क्या 5,000 सना देगी, ना, वो पल्लवी एंड सना जो है वो 5,000 कोई भी एक नहीं देगी, उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देंगे वो लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करें तो यहां पे पल्लवी एंड सना, पल्लवी का ऊपर रेशियो है 2, सना का रेशियो है 3, तो वही 5,000 को 2:3, जो 5,000 कम पड़ रहा है वो 5,000 को उनके रेशियो में 2:3, ऊपर जो ऊपर का रेशियो जो पुराना है वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 5,000 को 2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:3 के हिसाब से 2,000 एंड 3,000, यानी जिसका रेशियो है 2, मतलब पल्लवी का रेशियो है 2, तो पल्लवी अपने अकाउंट में से 2,000 और सना का रेशियो है 3, तो सना अपने अकाउंट में से 3:3 के हिसाब से 3,000 कट करके संध्या को मिलेगा। सो पल्लवी
अपने अकाउंट में से 2000 40 मिला, 2000 कट हो गया, 38000 पल्लवी को मिला, सना को 60000 मिला था, इसमें गारंटी दी थी 3000, उसका माइनस हो गया, सो उसको मिला 57000। तो ये 3000 सना के पास से और 2000 पल्लवी के पास से, 3 और 2 5 वो क्रेडिट हो गया, प्लस हो गया संध्या के अकाउंट में। तो अब संध्या खुश हो गई कि आपने 25 बोला था, 20 मिला था, 5 दिया आपने, तो संध्या को अब मिल गया 25000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज, संध्या रिसीव्ड 25000, पल्लवी रिसीव्ड 38000 एंड सना रिसीव्ड 57000 आउट ऑफ द प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट होगा वो मैं सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।